नमस्कार, डीसीपी न्यूज उत्तराखंड में आप सभी का पुनः स्वागत। मैं आपके साथ दीवान नौटियाल और खास खबर गढ़बैराट सांस्कृतिक समर्थन एवं विकास समिति को लेकर। जी हां, गढ़बैराट सांस्कृतिक समर्थन एवं विकास समिति के द्वारा 25 फरवरी को एक मीटिंग आउट की गई है, जिसमें कि गढ़ महोत्सव के आगामी कार्यक्रम को लेकर तिथि तय की गई है। हम आपको बताते चले, इस मीटिंग का आयोजन वीरेंद्र चौहान की अध्यक्षता में किया गया है और इस मीटिंग में 5 गांव के वरिष्ठ जन सम्मिलित हुए हैं। उन्होंने कहा है कि आगामी समय 27, 28 और 29 मई को विगत वर्षों की तरह एक बार फिर से बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ गढ़ महोत्सव सांस्कृतिक समर्थन समिति के द्वारा ये सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। पहले तो मैं समिति के जितने भी पदाधिकारी और सभी लोग यहाँ उपस्थित है, आप सभी का हार्दिक आभार और धन्यवाद अदा करना चाहूँगा कि विगत कई वर्षों से हम लोग गढ़ महोत्सव सांस्कृतिक खेलकूद कार्यक्रम कराते आ रहे हैं और आज तो बहुत ही खुशी की बात है कि पूर्व हमारे जो जौनसार वार के कलाकार रहे हैं और नामी आदमी हैं, कानून के जानकार है भाई श्री महेंद्र सिंह राठौर साहब, आप भी हम सभी को हौसला अफजाई के लिए इस बैठक में उपस्थित रहे। आदरणीय राठौर जी, हमारे मार्गदर्शक सियाणा जी, जोशी जी, सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हुए आगामी 2024 में गढ़ महोत्सव का जो आयोजन होना है उसकी तिथि आज सब लोगों ने निर्धारित कर दी, तय कर दी और वो मई के महीने होनी है। 27, 28 और 29 मई को 3 दिवसीय खेलकूद एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम होना है और हम सभी लोग आज से ही इस कार्यक्रम की भव्य तैयारी के लिए अब जुट चुके हैं और चाहते हैं कि ये जो पर्यटक स्थल का बैरट खाई, ये जौनसार बावर के मानचित्र में नहीं अपितु उत्तराखंड राज्य के मानचित्र में स्थापित हो, ताकि यहाँ पर दूर दूर से पर्यटक भी आए और बैरट खाई में रोजगार के अवसर भी पैदा हो और ऐसे जो मंच है कार्यक्रम में नई प्रतिभा यहाँ से उभर कर राष्ट्र प्रदेश स्तर पर खेलें, ये हम सब लोग का उद्देश्य है और नए कलाकार भी ऐसे मंचों से बड़े मंचों तक पहुँचे, ये हम सभी लोगों का ध्येय है। और मेरे साथ बहुत वरिष्ठ लोग हैं, ये भी अपनी बात रखेंगे, क्योंकि बड़े बड़े कार्यक्रम इन्होंने कराए, जैसे जोशी जी थे, इन्होंने जौनसार बावर का जो पहला कार्यक्रम विकास नगर हुआ था इसकी नींव रखी थी, तो आप भी इन कार्यक्रम के बहुत जानकार है, तो आप सभी लोगों का मैं हृदय से आभार अभिनंदन करता हूँ। और जो यहाँ पर टीमें खेलेगी उन सभी के लिए भी हम पहले से ये बात तय कर देना चाहते हैं, ताकि ये कार्यक्रम जब होता है उसकी डेट अनाउंस हो जाती है तो जौनसार बावर में बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं तो इन तिथियों पर दूसरी जगह भी कोई कार्यक्रम नहीं होने, इसलिए हमने अपनी तिथि निर्धारित कर दी गई है और हम सभी समिति के जितने भी हम समिति के सम्मिलित गांव जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम को भव्य और दिव्य रूप बनाने के लिए मेहनत प्रारंभ कर दी है। धन्यवाद। देखिए, इस मीटिंग में जैसा सब लोगों ने तय किया, 5 गांवों ने, हम लोग प्रयास करेंगे कि कल्चर से और सूचना से जो भी एक आर्टिस्ट हम इनवाइट करें, हम थ्रू प्रॉपर चैनल कल्चर से बात करेंगे और सिलेक्टेड आर्टिस्ट यहाँ पर पेश करेंगे, जिनसे मतलब कम समय में और बहुत अच्छा मनोरंजन हो पाए और एक बहुत अच्छा मैसेज जाए। बाकी जयंता रासो का आयोजन तो होता ही है, कल्चर और खेल का एक बहुत अच्छा सामंजस्य बैठा के प्रोग्राम को जितना हो सके भव्य और दिव्य बनाने का प्रयास करेंगे। बाकी सब लोगों के प्रयास से सफल होगा, ऐसी हमारी कामना है। धन्यवाद। आज हमारे गढ़ महोत्सव की एक आम बैठक थी स्थान बैरटखाई में और आज टूर्नामेंट के संबंध में हम लोगों ने निर्णय लिया कि आगामी महामई में 27, 28, 29 3 दिन के उसमें जो है ये टूर्नामेंट रखा जाएगा। और मीटिंग में बहुत सारी हमारी चर्चा हुई, हमारे बीच में हमारे सभी बुद्धिजीवी लोग उपस्थित हुए आज 5 गाँव के, और समस्त विषय बिंदु पे हमारी चर्चा हुई, जैसे कि अभी हमारे अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सिंह जी ने कहा और कलाकारों के संबंध में हमारे महेंद्र सिंह राठौर जी ने, जो पूर्व में भी इस कलाकार के उसमें बहुत ही अग्रणी रहे, और ऐसे ही हमारे बीच में मायादत्त जोशी जी और हमारे खाक सियाणा जी, सूरज सिंह चौहान जी, ये तमाम सभी नौजवान ने भी अपने विचार रखे और उस पर हमारा सब गठन हुआ और ये तय हुआ कि आगामी महामई में जो है गढ़ महोत्सव का उत्सव बड़े प्रचार और उत्सव के साथ किया जाएगा। आप सभी ने जैसा कि बैठक में निश्चित हुआ है कि गढ़ महोत्सव का आयोजन मई माह के अंतिम
महीने के 27-28-29 तारीख में किया जाएगा। और आप सभी लोगों से मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि गढ़ महोत्सव एक ऐसी जगह है, रमणीक स्थल है। सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि आप इस उत्सव में आइए और आप जौनसार बाबर की जो संस्कृति है और जो गढ़ महोत्सव जो एक पर्यटक स्थल के रूप में उभर रहा है उसको आप जो है उसका आनंद लीजिए। आपको यहाँ आके काफ़ी आनंद मिलेगा, हर तरह के खेलकूद देखने को मिलेंगे, कबड्डी यहाँ होगी, झंता रासो यहाँ किया जाएगा। और थोड़े कोशिश ये रहेगी कि जौनसार बाबर का जितना भी कल्चर है उसको हम इस ग्राउंड में आप लोगों के सामने रखेंगे। मेरा सभी लोगों से निवेदन है कि आप अधिक से अधिक जो है गढ़ महोत्सव में आने के लिए आप एक समय दें। और इसी के साथ मेरा ये आप लोगों से निवेदन है कि इसी बहाने आपको गढ़ महोत्सव का दर्शन करने का भी मौका मिलेगा। धन्यवाद।